मेयर यहाँ पर 100% 101% यहाँ का मेयर जो है बीजेपी का ही होगा। मुस्लिमों का तुष्टीकरण और लांगुल चलन इतने सालों से कांग्रेस ने किया, शिवसेना कर रही है। उन लोगों ने जो 26 साल के अंदर कुछ किया नहीं है, हम करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने ये जागर की। मुंबई जागर प्रोग्राम से लोगों में जो काम भारतीय जनता पार्टी का है वो एक ग्रास रूट लेवल तक काम जाए पहुँच। हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो ये सब हो रहा है। मुंबई जागर का ये सभा जो हुआ है ये लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ है, इसलिए जो है मुंबई में बीजेपी का जो है मेयर बनना चाहिए। आशीष सेलार आदमी है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। जैसे अभी आशीष सेलार जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और जय है जय है जय 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 हे आव्हान है। एक विनंती है, हाथ सोडून विनंती है कि मुंबईचा जो नागरिक आहे तो मराठी असेल, गुजराती असेल, उत्तर भारतीय असेल, राजस्थानी असेल, जैन असेल, तो हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, पारसी असेल किंवा बौद्ध असेल, मुंबई के मतदार आने वाले महानगर पालिका में मुंबई का महापौर कौन बनेगा ये निश्चित करेंगे। इन मतदारों को असलियत बताने के लिए पिछले 25 वर्ष में शिवसेना के राज में हुआ भ्रष्टाचार, विकास के काम को लगाई हुई रोक, ये निदर्शन लाने के लिए उसी के साथ साथ अब जो शिवसेना अपने बलबूते पर महापालिका में जीत नहीं सकती तो महाविकास आघाड़ी के नाम पर केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस को ही नहीं, वंचित आघाड़ी से लेकर कल MIM के साथ भी अगर बैठ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुस्लिमों का तुष्टीकरण और लांगुल चलन इतने सालों से कांग्रेस ने किया, शिवसेना कर रही है, ये जनता के सामने लाने के लिए आज की ये जागर सभा थी। मुंबई के अंदर 26 साल महापालिका में एक पक्ष की सरकार थी, हम उनके साथ थे, मगर हमारे पास जो भी नगर सेवक थे वो कम थे, उनके पास ज़्यादा था। मेयर का पद है तो 26 साल उनके पास था, मेन कमेटी सब उनके पास थी। और मुंबई के अंदर जो आप देख रहे कि इंटरनेशनल शहर के अंदर आप देखने जाएंगे तो एक मुंबई का नाम है, और मुंबई का नाम होने के बाद भी इंटरनेशनल शहर अपना जो बढ़ना चाहिए था, पानी का समस्या, गटर का समस्या, टॉयलेट का समस्या, कचरे का डिब्बे का समस्या, बच्चों को और महिलाओं को चाल के अंदर रात को जाते टाइम टॉयलेट के साथ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे पूरी वो सुविधा मुंबई के अंदर रह चुकी है। इसके लिए ये जागरण एक मुंबई के अंदर आने वाले चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम लोग ने ये तैयारी किया है लोगों के सामने। उन लोगों ने जो 26 साल के अंदर कुछ किया नहीं है, हम करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने ये जागर की सभा। मुंबई जागर जो प्रोग्राम हुआ इससे क्या समझते हैं? मुंबई जागर प्रोग्राम से लोगों में जो काम भारतीय जनता पार्टी का है वो एक ग्रास रूट लेवल तक काम जाए, पहुंचे लोगों तक, और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है वो लोगों तक पहुँचाना मुंबई जागर के माध्यम का मेन इस प्रोग्राम का मेन पर्पस यही है कि लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का काम पहुंचे। क्या लगता है इस बार मुंबई को भाजपा का मेयर मिलेगा? जरूर मिलेगा इस बार, और पार्टी पूरी ताकत के साथ में, सभी लोगों के साथ में, जनता के साथ में खड़ी है। जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अपने नगर सेवक के लिए देगी उसमें सभी कार्यकर्ता पूरे जोर शोर ताकत के साथ में उनको जिताएंगे और मेयर ऊपर मुंबई महानगर पालिका कब्जा होगा। मुंबई BMC चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने अध्यक्ष को बदला है, आशीष सेलार को अध्यक्ष बनाया, क्या लगता है उनकी एनर्जी कम करेगी आशीष सेलार? आशीष सेलार जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और काफ़ी पहले भी मुंबई अध्यक्ष पर उन्होंने पदभार संभाला है, काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, और अवश्य ही मजबूती पार्टी को मिलेगी उससे, और उनके नेतृत्व में जरूर मुंबई महानगर पालिका में मुंबई का मेयर बैठेगा अपना भारतीय जनता पार्टी का। किसका बनना चाहिए मेयर? तो BJP का ही बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे मुंबई में जो पानी भर रहे हैं और सड़क के जो काम है, जो गड्ढे वगैरह है जो सड़क में, वो सब इतने सालों में नहीं सॉल्व हो सके, तो वो अब अगर बदलाव होता है और हमारे BJP की तरफ से मतलब मेयर बनते हैं और BJP के
सत्ता अगर बीएमसी संभालती है तो ये सब सुधार हो सकते हैं। इसलिए जो है मुंबई में बीजेपी का जो है मेयर बनना चाहिए। मुंबई जाकर जो सभा हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? क्या बहुत अच्छा हुआ है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अनुभव तजुर्बा मिल रहा है। इसमें जो जिसको नहीं मालूम था बीजेपी के लिए बहुत अच्छी ये है। भाजपा 25 सालों के भ्रष्टाचार को गिनाने क्या लगता है, भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो ये सब हो रहा है। आपको लगता है भाजपा का मेयर बैठना चाहिए? हाँ अवश्य, भाजपा का मेयर बैठेगा, अवश्य बैठेगा। क्या लग रहा है मुंबई जाकर सभा हुई है, आप कैसे देखते हैं मुंबई जाकर? मुंबई जागर का ये सभा जो हुआ है ये लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ है। लोगों को जानकारी हो कि ये महानगर पालिका में ये लोगों ने क्या भ्रष्टाचार किया है, क्या गलत काम किया है और क्या अच्छा काम किया है, ये सबके सामने समक्ष रखने का काम किया है उन्होंने। और इसके अंदर बहुत सारे रोड या फिर गटर का काम जो है अभी 6 महीने पहले बना और बनने के बाद फिर वही गटर तोड़ के फिर से बनाया गया, क्यों? ये भ्रष्टाचार किसके सामने आएगा? हम लोगों को जानकारी नहीं होना चाहिए? लोगों को उल्लू बना करके और लोगों के टैक्स का पैसा ये लोग जो है खा रहे हैं, ये क्या मतलब है? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा जा रहा है, हमारे खून की गाड़ी कमाई जा रही है, ये लोगों को समझ में आ रहा है? और मेयर की बात जो बोल रहे हैं आप, मेयर यहाँ पर 100% यहाँ का मेयर जो है बीजेपी का ही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। बीएमसी ने काम किया था जनता के बीच में, फिर हमने, हम लोगों ने पूरा सब लोगों ने बीएमसी ने तो बहुत कम, लेकिन हम लोगों के यहाँ के जो विधायक थे उनके हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। लोगों के घर तक गेहूं चावल या फिर धान्य समाज वगैरह सामान वगैरह पहुंचाना और ये सब का काम जो है हम लोगों ने उस समय किया। सब कोविड होने के बाद में लोग बाहर निकल नहीं रहे थे, लेकिन लोगों के घर तक सामान या फिर कुछ घर की सामग्री वगैरह हम लोग पहुंचाने का काम हम लोग ने और हमारी उत्तर भारतीय टीम और पश्चिम महाराष्ट्र की टीम, हम लोगों ने सब लोग मिल करके हम लोगों ने बहुत एकदम एकजुट होकर के सब काम किया है। और यहाँ तक उतना ही नहीं, हम लोगों ने सबके घरों में सैनिटाइजर वगैरह डाल के उसके बाद में कहीं कोई बिल्डिंग में अगर किसी को कोविड वगैरह हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए उस समय में भी हम लोग ने भाग दौड़ करके सबके घरों में सैनिटाइजर वगैरह किया और सब पूरा एकदम यही बगल की बिल्डिंग है उसके अंदर भी पूरा हम लोग ने ऊपर से लेकर के नीचे तक सैनिटाइज करने का काम हम लोग ने उत्तर भारतीय सेवा संघ के लोग और उसके बाद में हमारे ये पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने हम लोग एकजुट होकर के सब काम किया है। अपने अध्यक्ष को बदला आशीष सेलार को लेके आए हैं, क्या लगता है आशीष सेलार के अध्यक्ष बनने से बीएमसी फतेह होगा मेयर में? 101% हाँ, उनका काम। आशीष सेलार को कहते हैं, आशीष सेलार एक मतलब स्वच्छ आदमी है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। जैसे अभी लोगों के एक कोई बन गया और मालूम पड़ा कि 4 भ्रष्टाचार होने लगा, ये सब काम नहीं है। वो जो है बहुत स्वच्छ आदमी है और उसके बाद जो उनका कोई अगर किसी चीज़ के बारे में उन्होंने कह दिया तो निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आशीष सेलार अध्यक्ष हुए हैं तो उनके थ्रू लोगों तक अच्छी क्या बोलते हैं अच्छी जानकारी जाएगी और उन हमारा यहाँ पर महापौर हम लोगों का ही बनेगा।